हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे, अच्छे होगे। मैं भी अच्छा हूँ। अभी एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। दरअसल यूपी के कानपुर हैलेट हॉस्पिटल में एक मरीज़ बीमार पड़ता है, वो दवाई लेने के लिए जाता है, तो उसको एक डॉक्टर से एक तरफा मोहब्बत हो गई। एक वहाँ की जूनियर डॉक्टर थी, उनसे उनको मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत इस कदर हो गई कि वो हर दूसरे दिन बीमार पड़ जाते थे। नए नए नाम उसे पर्चे बनवाते थे, दूसरे नामों से नाम मतलब बदल कर। डॉक्टर को यह सिलसिला 15 दिन तक चला। डॉक्टर को शक हुआ और उसने उसकी शिकायत की है। दरअसल जब एक दिन वो फिर गया वहाँ पर, तो उसको वो वहाँ पर नहीं मिली, तो वहाँ से जो कर्मचारी थे उनसे पूछने लगा उस डॉक्टर के बारे में। तो डॉक्टर को सबको पता था कि ये इस तरह की हरकत कर रहा है, तो जैसे ही उसने कहा उसको पीटना शुरू कर दिया। पीटा पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया है, और पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने के बाद उसको जेल में भेज दिया है। और उससे पूछा तो वो कह रहा है कि अभी हम तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं थी, हमें तो सच में बीमार थे, तबीयत खराब थी, तो दवाई लेने जाते थे वहाँ। क्या आइंदा से किसी के पास इस तरह से हम नहीं जाएंगे दवाई लेने के लिए? तो ये अजीबोगरीब मामला है। उसको डॉक्टर से इस हद तक एक तरफा प्यार हो गया कि उसने काफ़ी दिनों तक हर दूसरे दिन पर्चा बनवाता था, दवाई लेने जाता था, और नाम मतलब बदल कर। डॉक्टर नहीं होती थी तो वहाँ के कर्मचारी से उसके बारे में पूछता था, और एक बार तो दूसरी जगह वो गई जहाँ गई थी वहाँ का पता लेकर पहुँच भी गया था। तो अगर ऐसा इसका एक तरफ अगर आपको हो गया तो आप भी केयरफुल हैं, ऐसा मत कीजिएगा, वो भी डॉक्टर से। अदरवाइज़ आपको भी जेल जाना पड़ सकता है, हवाला जाना पड़ सकता है। दूसरा मामला अभी एक आ रहा है कर्नाटका से। कर्नाटका में एक दलित बस्ती में एक महिला आई थी वहाँ के फंक्शन में, शादी थी वहाँ पर। तो उसने बाजू की एक टंकी से पानी पी लिया था, उसको नहीं पता था, वो नहीं आई थी। उसने एक बाजू की टंकी से पानी पी लिया था, तो वहाँ क्या हुआ, बड़ी जाति के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उसको टंकी को गाय के पेशाब से उसको धुलाया, धुलाई करके फिर उसको, यानी कहते हैं कि पाक किया, पवित्र किया उसको इन्होंने। तो इन लोगों का क्या, मैं क्या कहूँ इनके बारे में, इन लोगों का एक दलित पानी पी लेता तो पानी नापाक हो जाती है, और गाय के मुँह से वो पाक हो जाती है। क्या मतलब, इंसान के पीने से चीज़ नापाक हो रही है, अपवित्र हो रही है, और गाय के मूत्र से, गाय के पेशाब से उसको साफ करने से वो पवित्र हो रही है। तो इनका क्या मैं कहूँ कि इनकी इनकी जो इनकी नज़रों में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, जानवरों की ज़्यादा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।